माई चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड टूडे वी विल बी डूइंग सम शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके तो दिस इज द रिविजन बैच सीरीज और यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ साइंस एंड इस सीरीज में हम हर एक चैप्टर के शॉर्ट आंसर को डिटेल्ड uh, वे में देखेंगे आई विल बी गिविंग यू ऑलमोस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन ऑन बोर्ड एंड उन क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको नोट्स चाहिए साइंस के एस एस टी के एंड इंग्लिश के सो यू कैन गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम आई डी सी अंडर स्कोर्स सहानी जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है यहाँ पर जाके आप नोट्स ले सकते हो एम सी क्यूज इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड टेक इट ओके तो पी डी एफ टाइप्ड नोट्स आर देर हैंड रिटेड नोट्स आर देर तो जो भी आपको कम्फर्टेबल लगे यू कैन गो एंड टेक इट टेक द स्क्रीन शॉट्स अपनी गैलरी में सेव करो क्लास टेन स्टूडेंट्स जो ट्वेल्थ स्टूडेंट्स हैं वो प्रिंट आउट्स निकलवाते हैं मेरे नोट्स के एंड स्टडी फ्राम इट सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड टेक इट अप नाव वी विल बी डूइंग टूडे फिफ्टीन क्वेश्चन फ्राम योर चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर में से डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का क्योंकि डिलीटेड कुछ भी नहीं है तो इसमें से हमें सब कुछ पढ़ना है तो लास्ट वीडियो मैंने इस चैप्टर की बनाई थी जिसमें मैंने आपको इसके एम सी क्यू क्वेश्चन करवाए थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो क्लास टेंथ साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो प्लेलिस्ट गिवन है प्लेलिस्ट में सारे ही चैप्टर्स के एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन गिवन है तो पहले आप जाके उन्हें प्रिपेयर करो ओके okay. उसके बाद आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर आंसर जो बच्चा इंस्टाग्राम नहीं चलाता है नोट्स नहीं ले सकता तो कोई टेंशन की बात नहीं है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्टीन क्वेश्चन का आंसर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं पेस्ट कर दूंगी एंड अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो लिमिट है वो uh, खत्म हो जाएगी तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट में जो क्वेश्चन हैं उनको पिन कर दूंगी ओके okay? तो ये वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे एंड इवन इस चैप्टर की एक वीडियो और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बनाऊंगी जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट इक्वेशंस करेंगे बिकॉज ये चैप्टर है ही पूरा इक्वेशंस का तो वी विल डू इक्वेशंस ऑल्सो ओके तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी हाउ मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर हैविंग इन दिस चैप्टर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज मेट बाय केमिकल रिएक्शन ओके आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर बिकॉज आई वॉन्ट की ये वीडियो बस हद से हाथ दस मिनट की हो या उससे भी छोटी हो सो दैट यू जस्ट यू कैन रिवाइज दिस क्वेश्चन वेन वे यू वॉन्ट टू डू तो आई एम टेलिंग द क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर्स गिवेन है सो टेक आ नोट बुक कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन एंड अगर इस चैप्टर में से तुमने ये क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिए तो एट्टी परसेंट ऑफ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड बाकी का जो ट्वेंटी परसेंट है वो आपको एम सी क्यू फॉर्मेट वीडियो और जो लॉन्ग आंसर वीडियो होगी उसके साथ आपका हंड्रेड परसेंट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स ओके तो ये अब की बार एम सी क्यू में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकते हैं सो बी प्रिपेयर्ड ये क्वेश्चन अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा बट आसान है इसका मतलब ये नहीं है वी वी है वी कैन लीव इट या फिर इसे छोड़ देंगे Next question, what is decomposition reaction? So, reaction, double uh, double displacement reaction, reactions, ki hare, uh, jo, with one-one equation you have to learn, that is important. But there are certain reactions that are important for short answers. So, that we will see. Next question, what is rancidity? You have to explain in detail what is rancidity. Okay, now next question why is photosynthesis considered as a endothermic reaction so here you are having two questions is answer to batana here secondly you can also tell me in the comment section if you know the answer carefully that uh, what is endothermic reaction these are very important like endothermic exothermic their difference important questions write a chemical equation when magnesium metal reacts with

ये भी क्वेश्चन बन गया आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है फोटोसिंथेसिस इज अ डैश रिएक्शन तो आपको एमसीक्यू में गिवन होगा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट तो वी ऑल नो फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन तो आपके जो एमसीक्यू फॉर्मेट है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इफ यू नो दीस क्वेश्चंस तो तुम्हें उनका आंसर बहुत आसानी से आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है ये भी व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर क्यों हमें उसे क्लीन करना चाहिए बिफोर बर्निंग इट इन एयर ओके तो यहाँ पे हमने एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट लो और हम आगे के क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं इन क्वेश्चन को आसान मत समझो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई रिफ्रेशर खोलते हो तो सौ क्वेश्चन आपको मिलते हैं और तुम ये सोचते रहते हो बहुत ज़्यादा कोर्स है मेगनीशियन रिबन के ऊपर ही इतने सारे क्वेश्चंस बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर तुमने एक बार लर्न कर लिया वाई इट इज क्लीन एंड वॉट हैपन्स वेन इट इज़ बर्न तो भाई एक दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए लर्न हो गए ख़त्म बात हम हम रिफ्रेशर खोलते हैं उस मैगनीशियन रिबन पर ही बारह से तेरह क्वेश्चन होते हैं एंड एट दैट टाइम यू फील वेरी बर्डन दैट तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा है सिलेबस ज़्यादा नहीं है बस वो क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट होती है उनको आप बस रीड करो एक बार एक एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस वेन आयरन इन इट ओके तो इसमें आपका फुल आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायग्राम के साथ बनाना है आपको ये वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन इलेक्ट्रिस ऑफ वॉटर एक्टिविटी डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर ओके okay, तो ये आपको पूरा का पूरा आंसर करना है नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म करोजन क्रोजन एंसिडिटी इस पर हंड्रेड परसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई तो हमें पता है क्यों उन्हें फ्लश करा जाता है स्टेट द रीज़न थोड़ा आंसर्स की आपके एग्जाम में टू मार्क्स इन थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसी के वर्ड लिमिट के हिसाब से मैंने आंसर जो है उनको पेश करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट सम वेज टू अवॉइड रैंसिडिटी ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका रैंसिडिटी एनक्रोजन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिस इज बेसिकली अ लॉन्ग क्वेश्चन बट मैंने यहाँ आपको इंपॉर्टेंट था तो दे दिया है वट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड

टेक दिस वीडियो एज अ टेस्ट यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर की वन है आंसर अपने आप करो एक डायरी में एक रजिस्टर में एक सेपरेट रजिस्टर बना लो अपना साइंस का मैंने पहले वीडियो में भी बोला है एक सेपरेट रजिस्टर बनाओ साइंस का उस पर हाईलाइट करके लिखो केमिस्ट्री लिखो टेस्ट ये सारे के सारे क्वेश्चन फिर से साइड हो रही हूँ जिसने पहले स्क्रीन नहीं लिया था स्क्रीन ले लो क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहा है होगा आपको ओके okay, इन सबको नोट डाउन करो पे अपने क्वेश्चंस को एंड ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे गाइस जब बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास में होंगे डायरी खोली क्वेश्चन रिवाइज करें आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लर्न करके लिख चुके होंगे ऑलरेडी एंड इट विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स ठीक है तो क्लियरली इन क्वेश्चन को अभी अगर आपको आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखो भी मत अभी अपना ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर्स लिखे हैं फिर उसमें से एक रेड पेन खरीद के रखो और उससे चेक करना ऐसे ही क्लास ट्वेल्व के बच्चे करते हैं मैं उन्हें इंग्लिश के मॉडर्न क्वेश्चन बोर्ड पे देती हूँ आंसर गिवन अदर डिस्क्रिप्शन में दे ऑल्सो डू इट इन द टेस्ट फॉर्म वो टेस्ट फॉर्म में करते हैं सो दैट उनका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हो सकता फील लाइक आई एम चेकिंग देयर पीपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसने लिखा है मैंने लिखा है ना तो जब आप चेक करोगे सोचना कि मैंने ये क्वेश्चन को चेक करा है गिव योअर मार्क्स मार्क्स देना खुद को जैसे कि ये फिफ्टीन क्वेश्चन है टू तो मार्क्स दे दो उनको थर्टी मार्क्स का अपना पेपर बनाना एंड गिव योर मार्क्स कि तुम्हें थर्टी में से कितने आ रहे हैं अगर तुम्हारे कब नंबर आएंगे देन यू विल फील दैट यार मेरे को अभी और ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है इस चैप्टर को अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे देन यू विल फील गुड कि हाँ भाई मेरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया है कम्प्लीट अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करता हूँ उसकी इस तरीके से तैयारी करूँगा एंड एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम डे आई मीन टू से जब एग्जाम पास आने वाला होगा प्रिपरेशन लीव्स के टाइम पर जो ये आपका साइंस का रजिस्टर होगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लिखे हैं ना ये किसी लाखों रिफ्रेशर से ज़्यादा खुद से हार्ड राइटिंग से लिखी हुई जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको हेल्प करेंगे ओके okay? ना कोई मेरी वीडियो खोलने की जरूरत है या भी खोल लो पढ़ लो वैसे ठीक है बाद में कोई यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके करो नहीं अभी से कर लो बाद में कॉपी है तो वहाँ पर रिवाइज़ कर लिया खत्म बात ठीक है तो लेट्स एंड द वीडियो बेस्ट ऑफ लक ऑल माई क्लास केन स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आज इन इन द कमेंट सेक्शन योर फिफ्टीन डेज चैलेंज वीडियो इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिससे आप अपना फिफ्टीन डेज में इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करके जुपिटर पर पहुंचा सकते हो जुपिटर पर मतलब पहुंचा सकते हो मतलब बिल्कुल ही साइड में कर सकते हो एंड देर इज अ टाइम टेबल वीडियो ईच एंड एवरी वीडियो इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कुछ मेन वीडियोज़ है जो आपके लिए हेल्पफुल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ऊपर पेज कर दी है यू कैन वॉच इट एंड नाउ एल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन बॉक्स का प्लेलिस्ट गिवन है एस एस टी प्लेट गिवेन है एस एस टी का रिविजन बैच प्लेलिस्ट गिवन है और क्या गिवन है एस एस टी के साथ साथ साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक करो मेरी इंस्टाग्राम आई डी का लिंक गिवन है वहाँ से जाके नोट्स लो एंड ऑल मी थी इन द नेस्ट वीडियो टे धन ब बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक